ऐसी 5 गलतियां जिसके कारण आप लोग बिग बिलियन डेज में आईफोन लेने से हाथ धो बैठते हो। या तो हमारा आइटम अनअवेलेबल हो जाता है या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और 5-10 मिनट के बाद जब आइटम रीस्टॉक होता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मैं जो टिप्स आपको बताने वाला हूं उसमें बस आपको 1 मिनट लगेंगे आइटम को ऑर्डर करने में। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1, टाइमिंग। आईफोन को परचेस करने के लिए टाइमिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सेल स्टार्ट होगा 12 बजे और आप आओगे फ्लिपकार्ट में 12:30 में, तब तक आपका आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होगा। ऐसा ना हो इसीलिए हमें फ्लिपकार्ट को 11:50 यानी 10 मिनट पहले से ही लॉगिन कर लेना है और 12 बजने का वेट करना है। टिप नंबर 2, नेटवर्क। आइटम को परचेस करने के लिए नेटवर्क का साथ देना बहुत ही जरूरी है, और बात करते हैं नेटवर्क टाइप की, वो 5G होना चाहिए, क्योंकि जितना फास्ट आपका नेटवर्क होगा उतना ही फास्ट आप होंगे। टिप नंबर 3, इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। फ्लिपकार्ट को ओपन करना है, अकाउंट सेक्शन में जाना है, सेव्ड एड्रेस में जाना है और अपना फाइनल एड्रेस को ऐड कर लेना है। अगर आप भी मल्टीपल एड्रेस यूज करते हो तो बिग बिलियन डेज तक उन सारे एड्रेस को डिलीट कर दीजिए, सिर्फ एक ही एड्रेस रखिए जिसमें आपको अपना आइटम डिलीवर लेना है। उसके बाद हमें सेव कार्ड्स एंड वॉलेट के ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद हमें अपना फाइनल पेमेंट ऑप्शन को सेट कर लेना है। लाइक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट करने वाले हो तो आप लोग वहां पर कार्ड को ऐड कर सकते हो, या तो आप लोग UPI ID को भी ऐड कर सकते हो। टिप नंबर 4, प्लस मेंबर। सबका चहिता सवाल, क्या आप भी मेरी तरह एक प्लस मेंबर बनना चाहते हो? तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक कम प्राइस के सामान को 3 से 4 बार मंगवा लेना है, जिससे आप लोग भी फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो जाओगे। पहले सुपर कॉइन देकर प्लस मेंबर बना जाता था, 200 सुपर कॉइन होने से हम लोग प्लस मेंबर हो जाते थे, लेकिन अभी 3 से 4 ऑर्डर करने से हम लोग प्लस मेंबर बन जाते हैं। टिप नंबर 5, मल्टीपल डिवाइस लॉगिन। आपको क्या करना है, पापा मम्मी किसी का भी एक भी मोबाइल लेकर और भी 2-3 मोबाइल एक्स्ट्रा जुगाड़ करके, आपका फ्रेंड्स का हुआ क्या किसी का भी हो, उसमें आपको अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और 2-3 मोबाइल में एक साथ ही फ्लिपकार्ट को ओपन करके रखना है। अगर इसमें एरर हुआ तो आपको दूसरे मोबाइल से करना है, उसमें एरर हुआ तो आपको तीसरे मोबाइल से करना है। ऐसे ही करके आप लोग ऑर्डर को सक्सेसफुल कर सकते हो।